हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ में, पहाड़ के हसीन वादी में। तो आज का सफ़र है हमारा धारी देवी श्रीनगर तक, और पूरी फैमिली जा रही, बस दो बहनें नहीं जा रही, मैं हूँ, पापा हैं, मम्मी है, दादी है, और साथ में गांव के दो मैंने के भाई है, भाई है राज की मम्मी पापा, और मेरी बड़ी बड़ी दीदी आएगी गोचर से। अभी तो चलते हैं हम जेंटा की ओर, क्योंकि गाड़ी मैंने 7 बजे से रुका रखी है और टाइम से करेंगे 7:30 बज गए। तो भी चलते हम जेटा, और पीछे से सभी लगे हैं मेरे रास्ते, तो दादी है, मम्मी है, पापा है, और एक मैं हूँ, बाकी भैया और भाभी तो अभी बहुत पीछे आए हो। हम लोग थोड़े जल्दी, मैंने कि जिस टाइम पे बताते हैं उस टाइम से करीब आधा घंटा लेट आ रहे हैं हम, क्योंकि लेट हुई थी, भैंस से दूध निकालना था हमने और उनको भी, तो भैंस वैसे लेट में देता है। तो अभी चल रहे हम गदेरे में, गदेरे के जस्ट ऊपर गए, पहुँच गए हम फिलहाल, तो मम्मी पापा दादी आ ही रहे पीछे से, मैं चला आगे आगे क्योंकि उनको देख के मेरे को भी थकान लग जाएगी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा थकान लग रही है मेरे को, इन रास्तों पर आदत टूट चुकी है मेरी। तभी चलते हैं हम जेडा की ओर, और वहाँ पर रुका है गाड़ी वाला हमें, उधर साइड से धूप भी आएगी और गाड़ी यहाँ पर रुकी है। हमारा गांव जस्ट रहा उधर साइड से, मैं नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी नहीं दिख रहा, और गाड़ी का इंतज़ार करें हम यहाँ पर, मेरे गाड़ी आएगी तो अभी लोगों का इंतज़ार करें, 2-3 और रह के पता नहीं कब तक आएंगे, फिलहाल हम करते हैं उनका वेट। पहुंच गए हम गोचर में और गाड़ी यहाँ पर लगी है, तो फिलहाल उनका इंतज़ार हो रहा है वहाँ पर, पता नहीं कौन कहाँ खो गया, तो उनको ढूंढ रहे, उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से श्रीनगर धारी देवी, श्रीनगर गढ़वाल, श्रीनगर वाला नहीं, फिलहाल तो गाड़ी यहाँ पर रुकी है ये वाली, और पापा गए हैं उनको लेने।
हमारा प्रवेश हो चुका है धारी देवी में, सामने भाई गेट रहा, और अभी हम लेंगे यहाँ से प्रसाद, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी लगाई तो यहाँ से प्रसाद लेना पड़ेगा। तो अभी चलते हम प्रसाद लेने। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो जस्ट लोग पर प्रसाद खरीद रहे हैं, और ये रहा गेट, यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, बाकी वो अंदर जा रहे बाथरूम वगैरह, और हम यहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं उनका इंतज़ार। ये रहा गेट, और यहाँ पर ही हमारी गाड़ी, ये रहा ऋतिक सिंह, बाकी यहाँ पर सब प्रसाद ले रहे हैं। वो अंदर पता नहीं कहाँ गए, हमको यहाँ पर छोड़ दिया, अंदर को लगी यार भूख खतरनाक वाली। मैं सोच रहा कि मैं पहले उधर जाऊँ मंदिर में, फिर खाना खा लें हम। और ये मंदिर में हो चुका पता, तो ये घंटे बजे तभी चलते हम नीचे मंदिर में। जगह जगह पर दुकानें मिलेगी आपको, मैं भी पहली बार आ रहा है इधर साइड, तो बहुत बार लेकिन मंदिर में पहली बार जा रहा है। तो नीचे पर है मंदिर, अब तो मंदिर यहाँ से करीबन के 400 मीटर दूर है, हम लगे हैं रास्ते भर में, तो बहुत भीड़ है यहाँ। मैंने सोचा भीड़ नहीं होगी, लेकिन भीड़ तो हमेशा रहती है शायद यहाँ, तो ये मंदिर काफ़ी दूर है, लगे हम रास्ते। और नीचे पर है मंदिर, तो हम भी लगे हैं रास्ते भर चलने में आगे आगे। नीचे रहे मंदिर बाबा, दूर काफ़ी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पहुँचने में, ऊपर से थोड़ा लगा था लेकिन रास्ता काफ़ी लंबा है। ये लगे यहाँ पे कोई दौड़ने दाड़ने पे हाथ थोड़ी बड़ा दांत टूटे तब जो है चैन पर, तब वह साला आगे में दुई नकली दांत दिखोड़े। तो चलो महाराज, लगे हम भी रास्ते भगवान। दुकानें लगी हुई है मंदिर से जस्ट ऊपर में, काफ़ी अच्छी दुकान है, लेकिन हमने प्रसाद ऊपर से ले लिया। लोग यहाँ पर कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, और हर दुकान में आपको ये मिलेगा कि प्रसाद ले जाओ प्रसाद ले जाओ, लेकिन हम पहले से लेके आ गए। तो दुकानें काफ़ी अच्छी सजी है यहाँ, और मंदिर में प्रवेश होने के लिए बस थोड़ा सा बचा है रास्ता। तो जो मेरे साथ है वो काफ़ी हल्के हल्के चल रहे हैं, क्योंकि पैरों में लगी है उसकी मेहंदी। हाँ भाई जी, हाँ की बार बोल तब चल पक्का, तभी चलते हम। ठीक सामने पे मंदिर, तो केलवा दिए बैग हो, और यहाँ पे हम खोलेंगे जूते चप्पल, लेकिन जो हमारे साथ है उनके लापता हो गया, पता नहीं कहाँ खो गए। फिलहाल तो उनका इंतज़ार हो रहा है, और मंदिर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। मेरा मंदिर हम काफ़ी पीछे छोड़ गए, आगे से बॉडी भी लगी है, बॉडी से हम आगे जाएंगे, और पता नहीं हमको क्यों छोड़े उन्होंने पीछे, वहाँ काफ़ी आगे चले गए, हम पीछे से लगे रास्ते में। तो पहले यहाँ पे घंटियाँ होती थी जब मैंने वीडियो में देखा था, लेकिन अब कुछ नहीं है। तो चलते हम भी आगे, ये रहे वो, और यहाँ पे कर रहे हैं बारी का इंतज़ार। ये रहा प्रसाद, सामने पे पापा मम्मी सब वही आगे चले गए, लेकिन हम तो यहाँ पीछे रह गए। भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी है, पहले सुबह से तो नहीं थी, लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है। तो देखते हैं कितने बजे आता हमारा नंबर, यही समझ लो। तो चलते हम भी आगे धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से। या अभी हम लाइन पर लगे हैं, लेकिन नंबर नहीं आया अभी तक भी, भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है इधर साइड। और ये देखो सबसे बिगड़ी लड़की, ये लगी है भीड़, नंबर तो आया नहीं, लगे हैं लाइन पर, और साथ में एक मेरे आगे ये जो कि जिसको चाहिए गोदी। और अभी चलते हम आगे धीरे धीरे कदमों के साथ, लेकिन बहुत दूर है यार, एक ये ऊपर से बैग भी काफ़ी भारी। चलो ये रहा मंदिर, हम पूजा करके आ गए हैं, और अब बारी हमारे जाने की, इधर साइड लग गया फोटो खींचने पर, पता कितना टाइम लगेगा उनको। हम गए घर की ओर, भीड़ वार है, भीड़ भयंकर भीड़। तो भी चलते हम गंग छल जान, तो ये गई यह नदी पोर्शन, तो यहाँ से मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, तो हम आए थे यहाँ पर एक दो फ़ोटो लेने, तो गए हैं चश्मे लेने, उधर साइड जा रहा हूँ क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही है, और फ़ोटो यहाँ पर बहुत अच्छी आ रही है। तो लगे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे फ़ोटो, और कोई दर्शन के लिए है। जो हमारे साथ थे वो अभी ऊपर ही रुके हैं, लेकिन हम कर रहे हैं ऋतिक का इंतज़ार, जो गया है ऐनक लेने। अब बीच से भी हम आ गए हैं, वो तो नदी के किनारे से भी आ गए, और अब जा रहे हैं ऊपर रोड में, धूप काफ़ी ज़्यादा लग गई,
भीड़ तो घटना का नाम ले रही, बढ़ी रही है। तो अभी चलते हैं हम ऊपर रोड में आराम आराम से अपना। तो अभी टाइम हो गया नाश्ता करने का, तो अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। हम सुबह से कुछ खाया है नहीं, तो यहाँ पे बैठे हैं अभी और खाना मंगा रखा है। और हमारे गैंग लानी टाइम करीबन 6:30 बज चुके हैं और हम लगे हैं अंधेरे में घर। तो जस्ट अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और अभी यहाँ से हमें जाना उधर से, जहाँ थोड़ा बहुत हल्का सा जाना दिख रहा होगा उधर से। यहाँ से करीबन उनके 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है। तो वीडियो यहीं तक बन पाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक ही, फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।